हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट मेड इजी। आज हम करने जा रहे हैं अल्ट्रा प्रो मैक्स रिवीजन ऑफ द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसे हम कंप्लीट कर चुके हैं पूरी एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन इन जस्ट 115 मिनट्स। वो आप देख सकते हैं, अगर आपने कवर ना की हो मैं आपको पिंड कमेंट में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आज हम फिलअप्स करेंगे इस चैप्टर के। मैं पहले फिलअप बोलूँगी तो आपको उसका आंसर अपने माइंड में सोचना है, देन मैं आपको आंसर बताऊंगी। आपको खुद से करने की ट्राई करना है क्योंकि अब हम पूरा चैप्टर भी अच्छे से कवर कर चुके हैं। टेलीग्राम पर एक एक पार्ट पर बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, अब आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट फिलअप इज डैश इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो द आंसर इज सेल। सेकेंड क्वेश्चन, डैश फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल एंड डैश discovered the nucleus. Answer is Anton von Leeuwenhoek discovered the live cell. And who discovered the nucleus? Robert Brown. ये first page पर लिखा हुआ था, first page के question से ये। So the third question is dash and dash together formulated the cell theory. So the answer is Schleiden and Schwann. इनके years भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए और countries भी। So next fourth question is ओमनिस सेलुला ई सेलुला वॉज एक्सप्लेन बाई डैश। साइंटिस्ट का नाम बताना है आपको, सोचिए रुडोल्फ विर्चो। इनका ईयर भी ध्यान होना चाहिए और इसका मतलब क्या था, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड डैश वेयर एज सेल्स दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड डैश। तो जिनमें मेम्ब्रेन होती है उन्हें क्या बोलते हैं हम, दैट आर यूकैरियोटिक। एंड सेकेंड गैप में क्या आएगा, प्रोकैरियोटिक, जिनके पास नहीं होती। सो द सिक्स्थ क्वेश्चन इज डैश आर द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज फाउंड इन ऑल सेल्स। तो ये कौन सी ऑर्गेनेली होती है जो सारे सेल्स में मिलती है और उसकी कोई नॉन मेम्ब्रेन भी नहीं होती, दैट इज द राइबोसोम्स। तो इसके राइबोसोम के बारे में भी आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आप सब कुछ रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, राइबोसोम को डिस्कवर किस साइंटिस्ट ने किया था, जॉर्ज पेलेड ने, कौन से ईयर में किया था, 1953 में। इसके दो सब यूनिट्स होते हैं, एक 70S होता है एक 80S होता है, दोनों के दो दो सब यूनिट्स होते हैं। जो 70S है उसके कौन से सब यूनिट्स होते हैं, 80S के कौन से होते हैं, मतलब सब कुछ आपको ध्यान रखना है, सब कुछ रिकॉल करते जाइए धीरे धीरे। सो द नेक्स्ट सेवन्थ क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट सेल इज डैश ऑफ डैश माइक्रोमीटर इन लेंथ। तो सबसे छोटा सेल कौन सा था, ध्यान कीजिए, जिसके पास सेल वॉल भी नहीं होती है, दैट इज माइकोप्लाज्मा। और उसका साइज क्या है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। सो द एट्थ क्वेश्चन इज द फोर बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस रॉड लाइक कॉकस स्फेरिकल। और नेक्स्ट डैश में हमें बताने कौन थे जो कॉमा शेप थे, दैट इज द विब्रियो एंड डैश स्पाइरल। स्पाइरल कौन से थे, स्पिरिलम। अब आपको ये बताना है कि किसमें स्पोर मिलता है, कौन सी शेप के बैक्टीरिया में, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था डायग्राम में, ध्यान रखना है ये भी आपको, तो ये आप बताएंगे कमेंट्स में। नेक्स्ट हम आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पर। सो द नाइन्थ क्वेश्चन इज अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इज ऑफ 10 to 20 माइक्रोमीटर PPLO डैश माइक्रोमीटर एंड दैट ऑफ वायरसेस इज डैश माइक्रोमीटर। तो आपको साइजेस बताने हैं, PPLO का होगा, अब मैं आपको आंसर बता रही हूँ, दैट इज 0.1 माइक्रोमीटर, और वायरसेस का होगा 0.02 माइक्रोमीटर टू 0.2 माइक्रोमीटर। ये डायग्राम में दिए हुए थे, आपको डायग्राम्स भी अच्छे से कवर करने हैं, जिसे याद नहीं है वो लिख लिख कर दोबारा याद कर सकते हैं इसे। टेंथ क्वेश्चन इज मैनी बैक्टीरिया हैव अ स्मॉल सर्कुलर DNA इन एडिशन टू द जीनोमिक DNA विच इज नोन एज द डैश DNA। अब आप बताएं कौन सा DNA था वो। सो द करेक्ट आंसर इज प्लाज्मिड DNA। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, इन बैक्टीरिया द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डैश विच इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। सो द करेक्ट आंसर इज मीजोसोम। इसके बारे में हमने पढ़ा था, ये काफ़ी ज़्यादा पेपर्स में आता है कि ये इनफोल्डिंग होती है, और किसकी होती है, सेल वॉल की या सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की होती है। ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिलती है और ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला फंक्शन परफॉर्म करती है इन द प्रोकैरियोट्स। और जो भी इसके बाकी 7 फंक्शन थे वो भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए, वो आप कर लीजिएगा अगर आपको याद ना हो। नेक्स्ट हम आते हैं 12th क्वेश्चन पर। The cell envelope of the prokaryotic cell consists of 3 layer, dash, dash, and dash. So the correct answer is glycocalyx, cell wall, and the plasma membrane. तो आपको पता होना चाहिए, अगर जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि prokaryotic cell की सबसे बाहर वाली layer कौन सी है, तो होगी glycocalyx।
अगर मैं पूछूं प्लांट सेल की सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है, वो होगी सेल वॉल। और अगर एनिमल सेल की पूछूं तो वो होगी सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि उनमें नहीं मिलते हैं ग्लाइकोकेलिक्स और सेल वॉल। नेक्स्ट द 13th क्वेश्चन इज, इन सम प्रोकैरियोट्स ग्लाइकोकेलिक्स कुड बी लूज शीथ कॉल्ड डैश एंड इन सम टाइम्स इट मे बी थिक एंड टफ नोन एज डैश। सो द करेक्ट आंसर इज, फर्स्ट डैश में आएगा स्लाइम लेयर एंड सेकेंड डैश का आंसर होगा कैप्स्यूल, क्योंकि जो लूज शीट थी उसे हम क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर, और जो थिक और टफ हो जाती है उसे हम बोलते हैं कैप्स्यूल। नेक्स्ट द 14th क्वेश्चन इज, इन बैक्टीरिया डैश डिटरमाइंस द शेप ऑफ सेल एंड प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो इसका आंसर क्या होगा आप सोचिए, इसका आंसर होगा सेल वॉल। आई होप सो अब आपको जो भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी की लाइंस रिकॉल हो रही होंगी, जैसे मैंने पढ़ाया था कि इस वर्ड पर ध्यान देना है, ऐसे करना है इन्हें सॉल्व, तो अब वो आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हम आते हैं 15th क्वेश्चन पर, इन साइनोबैक्टीरिया द मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड डैश कंटेन पिगमेंट्स। तो इसका आंसर होगा क्रोमेटोफोर्स। नेक्स्ट द 16th क्वेश्चन इज, मोटाइल बैक्टीरिया हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड डैश विच इज कम्पोज ऑफ 3 पार्ट्स डैश डैश एंड बेसल बॉडी। डैश इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम सेल सरफेस टू द आउटसाइड। तो फर्स्ट डैश में क्या आएगा, मोटाइल बैक्टीरिया के पास क्या होता है, जो फिलामेंटस एक्सटेंशन होती है सेल वॉल से निकलती है, दैट इज द फ्लैजेला। अब फ्लैजेला के 3 पार्ट्स क्या है, फिलामेंट, हुक एंड दी बेसल बॉडी। बेसल बॉडी हमें बताया, तो बाकी दो डैश में आएंगे फिलामेंट और हुक। फिर बाद में पूछा है कि लॉन्गेस्ट पोर्शन कौन सा होता है इन तीनों में से, दैट इज द फिलामेंट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज द 17th क्वेश्चन, सरफेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया आर फ्लैजेला डैश एंड डैश। ये कल भी मैंने आपसे टेलीग्राम क्वेश्चन में भी पूछा था, फिर भी आप में से काफ़ी बच्चे बार बार सीलिया भी इसका आंसर देते हैं, इसका आंसर सीलिया नहीं होगा। करेक्ट आंसर्स आर फ्लैजेला, पिलाए एंड फिम्ब्रे। 18th क्वेश्चन इज, राइबोसोम्स आर अबाउट डैश साइज एंड आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स डैश एंड डैश विच फॉर्म डैश प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। सो आंसर होगा, पहले हमें इसका साइज बताना है, दैट इज 15 to 20 नैनोमीटर। नेक्स्ट इज, ये किन 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, दैट इज 50S एंड 30S। नेक्स्ट पूछा हुआ है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को जो बनाते हैं, दैट इज 70S, क्योंकि 2 सब यूनिट्स हम तभी तो बता पाएंगे, हमें पहले पता तो होना चाहिए यूकैरियोटिक राइबोसोम है प्रोकैरियोटिक, तो हमें बताया हुआ था कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में बताना है। तो आंसर सर 50 to 20 नैनोमीटर, 50S, 30S, 70S। नेक्स्ट इज द 19th क्वेश्चन, सेवरल राइबोसोम्स मे अटैच टू अ सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड डैश। तो इस डैश में क्या आएगा, पोलीजोम, और पोलीजोम का दूसरा नाम क्या होता है, पोली राइबोसोम। इसमें आपको एक बात और ध्यान देनी है कि सेवरल राइबोसोम होते हैं वो, और वो एक सिंगल mRNA पे अटैच होते हैं, ना कि काफ़ी सारे mRNA एक सिंगल राइबोसोम पर। इससे कई बार टेस्ट में कंफ्यूज किया जा सकता है आपको। नेक्स्ट हम आते हैं 20th क्वेश्चन पर, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ डैश। तो इधर डैश क्या होगा, इंक्लूजन बॉडीज। तो अब ये आप खुद से सोचेंगे, इंक्लूजन बॉडीज मेम्ब्रेन बाउंड थी या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड थी, इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या थे, हमने 3 एग्जाम्पल पढ़े थे अगर आपको याद आ रहा हो तो। तो ये सब आपको धीरे धीरे रिकॉल करना है सारा कुछ। नेक्स्ट इज द 21 क्वेश्चन, द सेल मेम्ब्रेन इज कम्पोज ऑफ डैश दैट आर अरेंज्ड इन अ डैश। तब यहाँ पर फर्स्ट आंसर क्या होगा, लिपिड्स एंड द सेकेंड इज बाइलेयर। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, इन ह्यूमंस द मेम्ब्रेन ऑफ एन इरिथ्रोसाइट, अब इरिथ्रोसाइट क्या था, रेड ब्लड सेल, हैज़ अप्रॉक्सीमेटली -% प्रोटीन एंड -% लिपिड्स। तो प्रोटीन कितने परसेंटेज थे, दैट इज 52% और लिपिड्स 40%। ये आपको ना आंसर साथ के साथ याद आ जाने चाहिए जब आप लाइन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज द 23 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डैश मॉडल द काजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड अनेबल्स द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल बायलेयर। दिस मॉडल वॉज गिवन बाई डैश एंड डैश इन द ईयर डैश। तो अब यहाँ पर किस मॉडल की बात करें, दैट इज अ फ्लूइड मोजैक मॉडल, दिया किन्होंने था, सिंगर एंड निकोलसन, किस ईयर में, 1972। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज 24 क्वेश्चन,
मोमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन अक्रॉस अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डैश। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे और इजी सा क्वेश्चन है ये, दैट इज ऑस्मोसिस। नेक्स्ट इज अ 25th क्वेश्चन, सोडियम पोटेशियम पंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस? दैट इज अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें कि एटीपी चाहिए होता है। नेक्स्ट इज अ 26th क्वेश्चन, इन सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल डैश वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड डैश वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ सेल। तब आप सोचिए कौन सी वॉल होती है जो ग्रोथ करती है, दैट इज अ प्राइमरी वॉल, और कौन सी वॉल होती है जो अंदर की साइड प्रेजेंट होती है, दैट इज अ सेकेंडरी वॉल। नेक्स्ट इज द 27th क्वेश्चन, द मिडल लेमेला इज अ लेयर मेड अप ऑफ डैश पेक्टेट विच ग्लूज नेबरिंग सेल्स टुगेदर एंड डैश कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल्स। सो फर्स्ट डैश में क्या आएगा कि मिडल लेमेला किससे मिलकर बनी होती है, दैट इज अ कैल्शियम पेक्टेट, और जो कि ग्लू करती है नेबरिंग सेल्स को, और क्या कनेक्ट करते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स को, दैट इज अ प्लाज्मोडेस्माटा। नेक्स्ट इज द 28th क्वेश्चन, द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड सेल ऑर्गेनेल्स सच एज डैश डैश एंड डैश। तो कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स होती है जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूडेड होती हैं, दैट आर ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड द लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29th क्वेश्चन, द ईआर बियरिंग डैश ऑन देयर सर्फेस इज कॉल्ड आरईआर। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ईआर होता क्या है। ईआर इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और किसी को याद है किसने डिस्कवर किया था, मैंने आपको अलग से बताया था, अगर पता हो तो कमेंट्स में लिखना आप। तो जिनके पास क्या होते हैं, राइबोसोम्स, दैट आर नोन एज आर ई आर। नेक्स्ट इज द 30th क्वेश्चन, द एस ई आर इज द मेजर साइट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ डैश। अब एस ई आर क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ क्यों होती है, क्योंकि इनके पास राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। ये किस चीज की सिंथेसिस में हेल्प करती है, दैट इज द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। आज हमें यहीं तक कवर करना था, आज हमने पार्ट वन में 30 क्वेश्चंस कवर किए इन द 10 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली। कल इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस कवर करेंगे। आई होप सो आप ये क्वेश्चंस को आंसर कर पाए होंगे और आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने एक एक क्वेश्चन, मतलब आपको जैसे लाइन पढ़ाई थी तो बताया था कि इस लाइन से कैसे क्वेश्चन बनता है, इससे कैसे बनता है, तो अब आप जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको वो हेल्पफुल फील हो रही होंगी। सो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।